दूसरे रेंज पर ट्रांसफर होने से आरक्षियों के परिजन परेशान हैं। आईजी को ज्ञापन देकर ट्रांसफर रुकवाने की गुहार लगाई है। 350 आरक्षियों के ट्रांसफर से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। मुरादाबाद रेंज के अलग अलग थानों में तैनात 350 आरक्षियों का दूसरी रेंज में ट्रांसफर होने से उनके परिवारों में खलबली मच गई। सोमवार को आरक्षियों के परिजनों ने आईजी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा, ट्रांसफर रुकवाने की गुहार लगाई। फिलहाल आईजी कार्यालय ने उनके प्रार्थना पत्र ले लिया और विचार विमर्श करके कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। मुरादाबाद रेंज के अलग अलग थानों में तैनात लगभग 350 आरक्षियों का बरेली जोन में ट्रांसफर हो गया। सोमवार को ट्रांसफर रुकवाने के लिए इन आरक्षियों के परिजन आईजी कार्यालय पहुंचे, प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आज आईजी साहब किसी वजह से मिल नहीं पाए, इसलिए आईजी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। एडी जोन बरेली से उनके आरक्षियों का ट्रांसफर का लेटर प्राप्त हुआ, जिससे आरक्षियों को बरेली जोन में तैनाती देने का आदेश प्राप्त हुआ है। उनका कहना था कि उनके परिवार अभी तक कोरोना काल से जूझ रहे थे, इससे निकलने का मौका नहीं मिला। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तक नहीं हो सकी, जबकि मार्च में ही बोर्ड परीक्षा होनी है। बच्चे जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब उनके माता पिता का दूसरी रेंज में ट्रांसफर कर दिया, इससे उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह गड़बड़ा जाएगी। उनका कहना था कि उनका भी ट्रांसफर कर दिया, जिसका भी इस रेंज में समय भी पूरा नहीं हुआ है। दर्जनों परिवारों ने आईजी से इस आदेश को रुकवाने के लिए प्रार्थना की है। वहीं आईजी कार्यालय ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया, वे इस पर विचार कर रहे हैं। आईजी कार्यालय ने उनको पूरा आश्वासन दिया है। हमारी समस्या ये है कि हम वैसे ही घर से 200 किलोमीटर दूर है और फिर हमें 200 किलोमीटर आगे भेज रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगले महीने एग्जाम होने वाले बच्चों को, वैसे ही एक साल खराब हो गया बच्चों का। अब हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अच्छा, कहाँ भेज रहे हैं, किसके द्वारा भेजा जा रहा है? बरेली भेज रहे हैं। बरेली, क्या जॉब करते हैं आपके हस्बैंड? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस, हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर ना हो। ज्ञापन दिया है, इसी संबंध में दिया है, ट्रांसफर रोकने की वजह से, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं सबके, पढ़े भी इतनी दूर है, दो दो जिले छोड़ के, तो मतलब कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़, परीक्षा भी आने वाली है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर किया है और क्या आपके पति जॉब करते हैं? बरेली किया है, हस्बैंड करते हैं हमारे जॉब, पुलिस विभाग में। सर्विस भी तो ठीक ठाक है, सब करते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किया है, या तो हमें बताओ क्या मांगे, क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हमारा यहीं पे रुक जाए।